हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले वाले सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर क्यों होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ लिया है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हर वो नंबर जो p by q की फॉर्म में, जिसको नहीं लिखा जा सकता, यानी इंटीजर by इंटीजर की फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जा सकता, वो एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होती है। एक थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, ये थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 है। क्या है ये थ्योरम? कि अगर पी किसी नंबर के, p एक प्राइम नंबर है, अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी अगर p किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, तो p उस नंबर का भी फैक्टर होगा। क्या मतलब है इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर 36 है। 36 जो है वो आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है। अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ, 36 के प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ, तो वो बनेंगे 2 square into 3 square। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 36 का फैक्टर है? बिल्कुल 2 36 का फैक्टर है। ये थ्योरम हमको ये बताती है कि 2 6 का भी एक फैक्टर होगा। आई रिपीट, क्या है ये थ्योरम? कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, या p a स्क्वायर का फैक्टर है और p एक प्राइम नंबर है, तो p a का भी एक फैक्टर होगा। इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक थ्योरम और पढ़ेंगे। थ्योरम 1.2 है। दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे, क्या प्रूव करना है? कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसे हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो पॉसिबिलिटीज है किसी स्टेटमेंट की। कोई एक स्टेटमेंट है, उसकी दो पॉसिबिलिटीज है कि या वो तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो फॉल्स है, और हमको प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम मान लेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, और फिर यहां से जो कुछ हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, और वो कंक्लूजन्स इस स्टेटमेंट जो ट्रू हमने मानी है, इसको अपोज करेंगे, इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, वो हमारी सपोजिशन गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो हमें प्रूव करना है, हम मान लेंगे कि वो गलत है, फिर वहां से हम अपने कंक्लूजन्स निकालेंगे, और वो कंक्लूजन्स जो हमने सपोज किया है, उसको अपोज करेंगे, उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इस मेथड की हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि रूट 2 इरेशनल है। आपको पता ही है कि दो बातें होती है, या तो नंबर रैशनल है, रैशनल नहीं है, तो वो इरेशनल है। हमें प्रूव करना है इरेशनल है, हम मान लेंगे ये रैशनल है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और अगर ये एक रैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली ये p बाई क्यू की फॉर्म में होना ही चाहिए, जहां p क्या है और q क्या है। p और q इंटीजर्स हैं, और कैसे इंटीजर्स हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी p और q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। को प्राइम का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 और 25, 9 कंपोजिट है, 25
भी कंपोजिट है लेकिन इन दोनों का कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल है तो इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पी और क्यू को हमने माना है को प्राइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने पी और क्यू को प्राइम माना है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट टू का स्क्वायर हो गया टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर हो गया टू क्यू स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि जो पी स्क्वायर है वो टू इंटू सम नेचुरल नंबर है, पी स्क्वायर टू इंटू सम नेचुरल नंबर है तो पी स्क्वायर टू का मल्टीपल हो गया। एक एग्जांपल से बात समझते हैं, मान लीजिए जैसे 10 है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो 2 इंटू सम नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 2 इंटू 5 है। इसी तरीके से अगर पी स्क्वायर 2 इंटू सम नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। अभी अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी कि अगर p का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि p स्क्वायर अगर 2 इंटू क्यू स्क्वायर है तो p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब p भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब चूंकि p 2 का मल्टीपल है तो हम p को 2 इंटू एम लिख सकते हैं, 2 इंटू सम नेचुरल नंबर। तो हम क्या करते हैं, ये जो p की वैल्यू है बच्चे, इस p की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहां पर। तो यहां पर पुट करेंगे तो p की जगह 2m, 2m का होल स्क्वायर, तो 2m का होल स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर। देखो p की जगह रखा 2m, 2m का स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये 2 से 4 कट गया तो q स्क्वायर हो गया 2 into m स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर भी मल्टीपल हो गया 2 का, और चूंकि q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब q भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, q किसका मल्टीपल हो गया, 2 का, और p भी किसका मल्टीपल है, 2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q का एक फैक्टर कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर 2। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, और हमने यहाँ पर लेट किया था कि P और Q कैसे नंबर्स हैं बच्चे, को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, यानी रूट टू एक इरेशनल नंबर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ हो गया आ गया होगा। एक बार ब्रीफ करते हैं, हमने क्या किया, हमें प्रूव करना था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको मान लिया कि ये एक इरेशनल है, सॉरी हमें प्रूव करना था कि ये एक इरेशनल नंबर है, हमने मान लिया कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करके पी स्क्वायर आ गया 2 का मल्टीपल। अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो पी भी 2 का मल्टीपल होगा, और अगर पी 2 का मल्टीपल है तो पी को हमने लिख लिया 2m, और P की ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। तो वहां से क्या हुआ, Q स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल हो गया, और Q स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो Q भी 2 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब P और Q को प्राइम नहीं हुए, दे हैव ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। This is example number 5, exercise 1.2 का क्या है, हमें प्रूव करना है कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ये बच्चे बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसे आप लोग खुद से कर सकते हो। मैं एक बार फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ, आपको करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ 2 है हमें जैसे प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो मुझको प्रूव करना है रूट 3, तो यहाँ 2 की जगह हो जाएगा 3, यहाँ भी रूट 2 की जगह हो जाएगा 3, यहाँ भी 2 की जगह हो जाएगा 3। तो हम क्या माना कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है,
इसका मतलब रूट थ्री पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, दोनों तरफ हम कर देते हैं स्क्वायर, तो रूट टू रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई तो पी स्क्वायर अब हो गया थ्री क्यू स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर मल्टीपल हो गया थ्री का, और थ्री भी एक प्राइम नंबर है तो पी भी मल्टीपल हो गया थ्री का। अब चूंकि पी थ्री का मल्टीपल है तो पी होना चाहिए थ्री एम, दोनों अब ये पी की वैल्यू जो थ्री एम है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर पी की जगह थ्री एम पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, नाइन एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा नाइन एम स्क्वायर और ये हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री थ्री जा हो जाएगा, यहाँ टू एम स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा थ्री एम स्क्वायर, यहाँ टू एम स्क्वायर की जगह हो जाएगा थ्री एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर मल्टीपल हो गया थ्री का, और क्यू स्क्वायर अगर थ्री का मल्टीपल है तो क्यू भी थ्री का मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर थ्री, इसका मतलब पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम, इसका मतलब रूट थ्री एक इरेशनल नंबर हो गया, रूट टू की जगह क्या हो गया रूट थ्री एक इरेशनल नंबर हो गया। तो रूट टू और रूट थ्री में कुछ फर्क नहीं था, बस हमने क्या किया जहां जहां टू था वहां वहां पर हमने थ्री ले लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूव करना है, ये आगे बढ़ते हैं, पहले एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं अगला क्वेश्चन करने से पहले, क्या कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस हो वो हमेशा इरेशनल होता है। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, शर्त ये है कि ये जो रैशनल वाला पार्ट है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी क्या होता है इरेशनल होता है। ऐसे ही रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करें या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें, शर्त ये है कि जो रैशनल वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल, नॉन जीरो रैशनल, रैशनल जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो इंटू कोई भी नंबर करोगे वो फिर जीरो हो जाएगा, और जीरो कैसा नंबर है, जीरो एक रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है, 5 - √3 इरेशनल नंबर है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का है। इसे भी हम ऐसे मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, क्या है ये रैशनल है। क्या मान लिया बच्चे मैंने कि 5 - √3 एक रैशनल नंबर है, तो 5 - √3 हो गया a by b। अब क्या करते हैं हम, a by b मतलब ये इंटीजर by इंटीजर की फॉर्म में, हर रैशनल नंबर p by q या a by b की फॉर्म में होता है। इस 5 को मैं लेके आ गया इधर, तो -√3 हो गया a by b -5, माइनस का साइन हटा लेते हैं तो ये हो गया a by b -5 की बजाय हो गया 5 - a by b। एक बार दोबारा देखते हैं, माइनस साइन मैंने चेंज कर दिए तो -√3 की जगह हो गया √3, a by b की जगह हो गया -a by b, -5 की जगह हो गया +5, तो -a by b +5 को लिख लिया 5 - a by b। अब ध्यान से देखो, √3 हमने अभी अभी प्रूव किया एक इरेशनल नंबर है, और रैशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल ही मिलेगा। तो हमने क्या देखा, एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल आ गया, और एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है कि जो नंबर रैशनल नहीं होते वही तो इरेशनल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि √3 एक इरेशनल नंबर है,
और 5 माइनस ए बाई बी एक रैशनल है, इसका मतलब एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल. तो इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है. अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7. अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7, शो करना है कि 3 रूट 2 एक इरेशनल नंबर है. सेम तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वे में करेंगे. मान लेते हैं कि 3 रूट 2 हमें प्रूव करना है इरेशनल है. हम मान लेते हैं कि ये कैसा नंबर है, मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है. तो इसका मतलब ये हो गया रूट 3 रूट 2 हो गया ए बाई बी की फॉर्म में. तो हम क्या करेंगे, इस 3 को नीचे ले आते हैं. तो रूट 2 क्या हो गया बच्चे, ए बाई बी इंटू 3. अब रूट 2 हमने अभी अभी प्रूव किया कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है. और a बाय 3 भी ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है. और एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं होता. तो इसका मतलब हम लिख देते हैं विच इज नॉट पॉसिबल. Therefore, 3 रूट 2 इज नॉट रैशनल. और अगर ये रैशनल नहीं है, दैट इज इट इज इरेशनल. इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है. अब अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर देंगे. उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज के ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.